कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप हत्या मामले में देश भर में बवाल। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने न्याय के लिए आवाज की बुलंद। कोलकाता में सिविल सोसाइटी के सदस्य भी हुए शामिल। दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ समेत कई शहरों में सड़कों पर उतरे डॉक्टर्स, हाथों में तख्तियां लेकर गुस्से का इजहार किया। कोलकाता रेप मर्डर केस में ममता बनर्जी का बड़ा बयान, अगर रविवार तक पुलिस नहीं सुलझाती है मामला तो सीबीआई को करेंगे ट्रांसफर। कोलकाता कांड में बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा, कहा यह बंगाल के सरकारी आतंक का खौफनाक सच। कोलकाता कांड में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, पीड़िता की पहचान उजागर करने का आरोप, राज्य सरकार को नोटिस जारी, अर्जी पर कल फिर सुनवाई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अखिलेश, मायावती, प्रियंका समेत कई पार्टियों के नेताओं ने जारी किया बयान, कहा किसी भी हाल में हिंदुओं पर हिंसा ठीक नहीं, अल्पसंख्यकों का रखा जाए ख्याल। बांग्लादेश में हिंसा को लेकर भारत के इतिहासकार, शिक्षाविदों ने लिखी खुली चिट्ठी, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठाया, संसद में हिंसा के खिलाफ प्रस्ताव की मांग की। हिंडनबर्ग विवाद में विपक्ष ने सेबी चीफ से मांगा इस्तीफा, विपक्ष ने इस मामले में जेपीसी जांच की भी मांग की, राहुल गांधी बोले सेबी की साख से गंभीर समझौता हुआ। अडानी मामले में हिंडनबर्ग के खुलासे पर गरमाई सियासत, रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर लगाया देश को आर्थिक रूप से अस्थिर करने की कोशिश, गिरिराज ने बताया देश का दुश्मन। दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग सेंटर हादसा में आज आरोपियों को नहीं मिली राहत, बेसमेंट मालिकों की जमानत याचिका पर अब कल होगी सुनवाई। पटना में बीपीएससी टीचर के खाली पदों को भरने के लिए वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को लेकर प्रदर्शन, छात्रों ने पहले काउंसलिंग की मांग की। फारूक अब्दुल्ला के शर्मनाक बयान पर भड़की बीजेपी, कहा अलगाववादियों के साथ तस्वीरें खिंचवाने वाले उठा रहे सवाल, सेना और आतंकियों में मिलीभगत का फारूक ने लगाया था आरोप। मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई, मुकदमों के ट्रायल के दौरान दोनों पक्षों ने रखी अपनी दलीलें। बिहार के जहानाबाद के बाद सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में भगदड़, 7 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने जताया दुख, 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर 21 अगस्त तक रोक लगाई। कन्नौज में नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में सियासी संग्राम, समाजवादी पार्टी का पूर्व नेता नवाब सिंह यादव गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, पार्टी ने किया किनारा, बीजेपी ने अखिलेश को घेरा। विश्व हाथी दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, लिखा हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं, हाथियों के बचाने पर जोर दिया। भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी ऊषा का बयान, वजन खिलाड़ी और कोच को जिम्मेदारी, वजन की जो जिम्मेदारी है वो खिलाड़ी और कोच की है, वजन के लिए चीफ मेडिकल ऑफिसर जिम्मेदार नहीं। महंगाई के मोर्चे पर मोदी सरकार को मिली राहत, 5 साल के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% हुई, जून में 5.08% थी। काठमांडू में भारतीय विदेश सचिव ने पशुपतिनाथ मंदिर में किए दर्शन, सावन के सोमवार पर विधि विधान से पूजा पाठ।